गुड आफ्टरनून सबको। एंड जुड़ रहे हैं बच्चे भी। तो आज आप लोगों की फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग्स की फर्स्ट क्लास है। एक बार सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन हो जाओ और जो जो आते जा रहे हैं लाइक दबाते रहो। ये भी है, फिर 7 बजे भी क्लास है आप लोगों की। और सैटरडे संडे बिल्कुल। गुड इवनिंग चंदन, हिमांशी बंसल, राम परवेश। गुड आफ्टरनून काजल, नंदा, विकास, सत्यम, आलम, रिंगना, अनु, राम राम दुबे। वाह, जी बिल्कुल। जूम नहीं है बेटा, जूम नहीं चलता। यूट्यूब पर ही क्लास है, जूम नहीं चल रहा है। आईडी वो वाली अभी स्टार्ट नहीं है। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दो भाई अपने अपने ग्रुप में। एक बार 3:05 पे शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग्स। बिल्कुल। एक्टिविटी कल अपलोड होगी, आज नहीं हुई एक्टिविटी अपलोड। एक्टिविटी कल अपलोड होगी। और आज हम लोग ड्राइंग के फंडामेंटल्स की बात करेंगे। सारे बच्चे जुड़ जाओ, अभी 2 मिनट हैं, सब लोग जुड़ जाओ फटाफट। बिल्कुल। हाँ बेटा, 7 बजे भी है। 7 बजे जो क्लास है वो डिटरमाइनर्स की है। सेकंड लेक्चर है आज डिटरमाइनर्स का। लास्ट जो क्लास हुई थी परसों, उसमें डिटरमाइनर्स का पहला लेक्चर हुआ था कंप्लीट। आज डिटरमाइनर्स का सेकंड लेक्चर है। ओके अर्चना पाठक, वेलकम। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चे, कि जैसा आपको मैंने बताया था कि मैं ड्राइंग की एक सीरीज लेके आऊंगा पूरी, तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली में ड्राइंग है क्या चीज़। देखो, ड्राइंग और पेंटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ड्राइंग का मतलब होता है ड्रॉ करना, जब आप पेंसिल से कुछ ड्रॉ करते हो। जैसे आप लोगों ने मेरे इंस्टा पे मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स देखी है, वो मैंने पेंसिल से ड्रॉ करी है। और जब हम लोग कलर्स का यूज़ करते हैं उसको हम लोग पेंटिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, कलर्स का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। 12th की भी क्लास होती है, सारी क्लास से होती है, ठीक है। तो आज हम लोग ड्राइंग के फंडामेंटल को जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ड्राइंग में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। ओके वैभव जी, बिल्कुल, हमारा सुपर चैट बिल्कुल ऑन है और यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव अ सुपर चैट। बिल्कुल। तो फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं ड्राइंग के, ड्राइंग के फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, ड्राइंग में क्या चीज़ें आपको क्या क्या चीज़ें से आनी चाहिए जिससे आप कह सको कि यस आई नो समथिंग अबाउट ड्राइंग। तो बच्चे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ड्राइंग की, तो ड्राइंग के कुछ प्रिस्पेक्टिव्स होते हैं। ड्राइंग के मतलब एक तो होता है कि आपको बनाना आता है, आपने बना लिया, ठीक है। एक तो होता है आपको बनाना आता है, आपने बना लिया। एक होता है कि आपको उसके बेसिक्स भी पता है, एक होता है आपको उसके बेसिक्स भी पता। तो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ड्राइंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से ड्राइंग मटेरियल्स काम करते हैं, ग्रिपिंग। देखो, पेंसिल को पकड़ने का भी एक तरीका होता है पता है ड्राइंग में। तो आज मैं आप लोगों को यही सब चीज़ें सिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक शीट खोल लूँ और उसमें एक मैं हाथ बना लूँ और आपको बोलूँ चलो बनाओ, तो वो तो आप देख कर भी बना सकते हो,
ठीक है, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सबको। बिल्कुल, काफी बच्चों ने मुझे अपनी भी ड्राइंग्स भेजी थी, मैंने बिल्कुल देखी थी। तो देखो, एक तो होता है कि मैं बना दूं, आप उसे देखकर बना, बिल्कुल प्रियांशु प्रियम, ठीक है, वो ड्राइंग सिखाना नहीं हुआ, वो ये हुआ कॉपी कर रहे हो। आपको बेसिक्स नहीं पता, आपको शेड्स नहीं पता, आपको डार्क टोन नहीं पता, आपको लाइट टोन नहीं पता। तो ग्रिपिंग, पेंसिल को पकड़ना कैसे है, दो तरीके से पेंसिल पकड़ी जाती है ड्राइंग में, तो वो हो गया। बेसिक फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं ड्राइंग के, बेसिक फॉर्म्स, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लाइंस, एंगल्स कौन कौन से होते हैं, शेप, शेडिंग्स, लाइट टोन, डार्क टोन, डीप लाइट टोन, वेरी डार्क टोन, है ना, कौन से जो ऐसे शेड करना है, प्रिस्पेक्टिव होते हैं। देखो, प्रिस्पेक्टिव ना कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। अब जैसे मुझे, मैंने कुछ ऐसा बना दिया, मैंने जो है कुछ ऐसा सा बना दिया, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि ये कुछ ऐसा है, समझो रेल, रेल की पटरी है ये कुछ। तो आपको ये कैसा महसूस होगा कि रेल की पटरी जो है, मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां से वो दूर कहीं रेल की पटरी है, तो आपको ऐसा महसूस होगा देख के। तो इसको प्रिस्पेक्टिव बोलते हैं ड्राइंग में, ठीक है। आपको ऐसा ही लगेगा कि वो देखो दूर दूर तक रेल की पटरी जा रही है। अगर आप कभी दो लाइंस को किसी एंगल पे बनाओ, अगर दो लाइन को किसी एंगल पे बनाओ, समझ लो कोई एंगल पे आपने दो लाइन बनाई है और उस पर आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से लाइनें खींच दो, कॉपी में आप लोग बना के देखना, आपको बिल्कुल ऐसा रहेगा, अरे ये तो रेल की पटरी है और दूर तक जा रही है, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों को ईंट बनानी है, दीवार बनानी है, ठीक है, आपको जो है दीवार बनानी है, ईंट बनानी है कि जो दीवार की तरह शो हो। तो आपने क्या किया, आपने कुछ लाइंस खींची, मैं आपको प्रिस्पेक्टिव समझा रहा हूं, ड्राइंग्स के बेसिक समझा रहा हूं। आपने क्या किया, कुछ ऐसे ऐसे लाइंस खींची। अब इन लाइनों में एग्जैक्टली ईंट जैसा बनाने के लिए, ईंट जैसा स्ट्रक्चर देने के लिए आपने क्या किया, एक लाइन यहां खींची, एक लाइन यहां पे खींची, अब इनको अल्टरनेटिव पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है, ये बेसिक्स है बिल्कुल। इनको आपने क्या किया, इधर ऐसे ऐसे करके अल्टरनेटिव पोजीशंस पे लगा दिया, ठीक है, इस तरह से लगा दिया, इस तरीके से लगा दिया, तो ये आपको ना ब्रिक्स की तरह दिखेंगे। ये आपको कैसे दिखेंगे, ब्रिक्स की तरह लग रहा है ना, ईंट की तरह दिख रहा है। तो ये प्रिस्पेक्टिव्स है ड्राइंग के, ठीक है, ये बिल्कुल 3D ड्राइंग कह लो आप लोग। मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, नहीं बेटा जूम नहीं चल रहा है, आप लोग प्लीज अपने अपने ग्रुप में सारे बच्चों को बोल दो ज्वाइन कर ले, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि सबसे मुश्किल होता है एक इंसान का चेहरा बनाना, ये सबसे मुश्किल चीज होती है, और उस इंसान के चेहरे की उस सबसे मुश्किल चीज होती है इंसान की आंखें बनाना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो टॉपिक्स हैं, जो हम लोग, जो हमारी सैटरडे और संडे को 3 बजे जो क्लास होगी, जिसमें हम ये सब सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है आप सबको। आगे बढ़ते हैं कि भाई अब एग्जैक्टली ये चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको ड्राइंग समझाऊं कि ड्राइंग क्या है, देखो हो सकता है काफी बच्चों को लगे अरे ड्राइंग की क्लास में क्या किताबों की तरह पढ़ा रहे हैं, तो बेटा जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा ना कि एक्चुअली ड्राइंग होती क्या है, ड्राइंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी तरह, जैसे पेंसिल्स बहुत तरह की होती हैं, तो कितने तरह की पेंसिल्स होती हैं, कितने तरह के पेंस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल समृद्धि भट्टाचार्य जी। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्राइंग एक तरह का विजुअल आर्ट है, ड्राइंग एक तरह का विजुअल आर्ट है, और ड्राइंग ज्यादातर 2D, 2D फिगर, 3D फिगर, 3D ड्राइंग भी करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें और ज्यादा, जितने ज्यादा शेड्स होंगे उतनी ज्यादा 2D और 3D फिगर्स होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि जो इंसान ड्राइंग की प्रैक्टिस करता है उसको ड्राफ्ट मैन कहा जाता है, ये हो सकता है आप लोगों के लिए नई चीज हो। जो इंसान एन आर्टिस्ट हू प्रैक्टिस और वर्क इन ड्राइंग, जो इंसान ड्राइंग की प्रैक्टिस करता है, बहुत बढ़िया धनवंती पात, जो इंसान, जो आर्टिस्ट इसके प्रैक्टिस करता है उसको ड्राफ्ट मैन या ड्रॉट मैन कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग मतलब बिल्कुल झांसी क्वीन, बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चे ड्राइंग के भी हैं, बहुत ही बढ़िया बात है।
तो ड्राइंग के अपने अपने खुद के काफी पर्सपेक्टिव्स हैं, ड्राइंग के अपने अपने खुद के काफी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, एक ड्राइंग बनानी है, जैसे कुछ तो मैंने साइड में दिखा रखे ड्राइंग्स, अगर हमें ड्राइंग्स बनानी है तो हमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें ड्राइंग बनानी है तो हमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ग्रेफाइट पेंसिल, जो आपकी पेंसिल होती है ग्रेफाइट पेंसिल, वो पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, वैक्स कलर चाहिए, चारकोल चाहिए, चौक चाहिए, आप लोग किसी भी तरह से कर सकते हो। जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ड्राइंग्स अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो, मैंने वहां पे पेन से ही ड्राइंग बना रखी है। तो जरूरी नहीं है ड्राइंग के लिए पेंसिल लेके आओ, रबड़ लेके आओ, शार्पनर लेके आओ, अगर आप, आपको बेसिक्स पता है, आपको एग्जैक्टली पता है बनाना क्या है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि बनाना क्या है, तो आप ड्राइंग आराम से बना सकते हो। इनसे अलग इन देखो पेंसिल है मेरे पास, पेंसिल को और अच्छे से छीलने के लिए मुझे अदर मटेरियल चाहिए, तो प्रकार चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, ठीक है, जो आपके ज्योमेट्री में एक आता है ना प्रकार के साथ, जिसके यहाँ पे दो होती हैं और बच्चे बोलते हैं ये किसी काम का नहीं है, एक तो प्रकार आता है, एक प्रकार के अलावा आता है जिसमें दोनों तरफ पिन होती है, जिसका यूज कभी कोई बच्चा करता नहीं है, वो बेचारा अकेला पड़ा रहता है ज्योमेट्री के अंदर क्योंकि उसका कभी यूज नहीं किया, उसका यूज सीखेंगे हम लोग, उसको ज्योमेट्रिक ऑपरेटर्स का यूज होगा, पेंसिल शार्पनर इनका यूज होगा, तो ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है बच्चे। डिवाइडर, हाँ बिल्कुल डिवाइडर बोलते हैं। अब उसके लिए पेपर की बात करें तो पेपर बहुत तरीके के होते हैं, चाहे आप कार्डबोर्ड शीट ले लो, ठीक है, चाहे आप लेदर ले लो, कैनवास ले लो, ज्यादातर A4 शीट ली जाती है सिंपल पेपर की, ड्राइंग शीट्स की नॉर्मल A4 शीट पे ड्राइंग की। ड्राइंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो ड्राइंग एरिया है, अगर मैंने बोला कि एक मिनट, अगर मैंने बोला कि ये मेरा ड्राइंग एरिया है, अगर ये मेरा ड्राइंग एरिया है, ठीक है, तो फिर मुझे इसके बॉर्डर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो मैं इस हमेशा ड्राइंग करने से पहले ध्यान रखना, आप ड्राइंग एरिया का एक बॉर्डर, एक मार्जिन स्पेसिफाई कर लो। कभी भी कोई ड्राइंग करी जाती है, कभी भी, चाहे वो कॉपी का पेज हो, ठीक है, बिल्कुल झांसी, चाहे वो कोई भी पेज हो, हमेशा उसका मार्जिन, उसके बॉर्डर्स स्पेसिफाई करने होते हैं, ठीक है, क्लियर। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने बिल्कुल जरूरी हैं। उसके बाद अगर मैं और बेसिक मटेरियल, बेसिक ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला क्या होता है, पेपर। अब मैं इसकी हिस्ट्री पे ज्यादा जाऊंगा नहीं, खैर मैंने वो लिख रखा है। पेपर्स के भी अपने अपने वैल्यूज होती है, कोई कितने GSM का है, GSM मतलब होता है पेपर की हार्डनेस, पेपर कितना पतला है, पेपर कितना हार्ड है। आजकल के जो पेपर होते हैं वो सेलुलोज के होते हैं और उस पर ड्राइंग्स अच्छी बन जाती है, ठीक है। सेकंड है आपकी पेंसिल, ये ध्यान से समझना, ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आपको बेसिक्स पेंसिल को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाए, पेंसिल है क्या, पेंसिल का नाम पेंसिल ही क्यों है, ठीक है। एंड आई होप ये सब आप बिल्कुल पहली बार पढ़ोगे, ये आप ड्राइंग आपने इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी। तो पेंसिल की अगर मैं बात करूं, सबसे बेसिक मटेरियल ड्राइंग का पेंसिल होता है, ठीक है। पेंसिल जो वर्ड है वो दो तरीके वर्ड से मिले, एक चाहे आप अगर मैं फ्रेंच की बात करूं तो पिंसेल, और अगर मैं लैटिन की बात करूं तो पेनिसाइलस। इसका देखो फ्रेंच में पिंसेल का मतलब होता है छोटा सा ब्रश, ऑब्वियसली बात है पेंसिल एक तरह का ब्रश की तरह काम करता है, और जो लैटिन में अगर मैं पेनिस का मतलब स्मॉल लिटिल टेल, तो टेल कुछ इस तरह से। आजकल आजकल के टाइम में जो पेंसिल है वो ऐसी हो गई है, इसका मतलब कुछ लकड़ी के अंदर ग्रेफाइट को फंसाकर बनाया जाता है। तो पेंसिल की ना शेड्स होती हैं, हर एक पेंसिल की शेड होती है। अब जैसे आपको मैंने एक नॉर्मल पेंसिल दे दी, मैंने आपको एक नॉर्मल पेंसिल दे दी, अब आपको गाढ़ा चलाना है, आप क्या करोगे, आपको गाढ़ा चलाना है, आप क्या करोगे, उस पेंसिल को कस के दबाओगे तभी तो गाढ़ा चलेगा। अब आपको थोड़ा हल्का चलाना है तो उस पेंसिल को क्या करोगे, आप थोड़ा सा हल्का दबाओगे।
अब आपको और हल्का चलाना है तो आप क्या करो, उस पेंसिल को और हल्का दबाओगे, उससे भी हल्का चलाना है तो आप पेंसिल को बिल्कुल ही लाइटली चलाओगे। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही करते हो ना आप लोग, पेंसिल गाढ़ा चलाने के लिए बहुत तेज दबाते हो, फिर हल्का दबाया, फिर उससे हल्का। तो पेंसिल की अपनी अपनी वैल्यूज होती है। जो आपकी पेंसिल में ये एच बी लिखा होता है ना, आप लोगों की पेंसिल में जो एच बी लिखा होता है, इसका मतलब होता है एक, ठीक है। तो इस एच और बी का मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है हार्डनेस। एच मतलब क्या होता है बच्चे, एच मतलब होता है हार्डनेस। ये जो कभी भी आप पेंसिल लेना, पता नहीं आपने कभी नोटिस किया हो नहीं किया हो, लेकिन पेंसिल फिरोजा अंसारी, क्या गुस्सा आ रहा है मुझे सर आप पर? ओके कोई बात नहीं, गुस्सा कर लो। तो जो इसमें एच का मतलब होता है वो होता है हार्डनेस, और बी का मतलब होता है ब्लैकनेस, कितना गाढ़ा, कितना हार्ड दबाना पड़ेगा और कितना काला होगा। तो पेंसिल की जो, इसको यूरोपियन सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूरोपियन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरोपियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, अगर मैं वैल्यू बताऊं 9H, 9H में पेंसिल ऐसी चलेगी बिल्कुल हल्की, और इस तरफ को जाते 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 सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, लेकिन डार्कनेस, सॉफ्टनेस जो है वो कैसी रह गई, मतलब बहुत हल्का चलाना पड़ेगा लेकिन डार्कनेस बढ़ जाएगी। 9B, 9B में पेंसिल को आप कितना भी हल्का चलाओ चलेगी गाढ़ी गाढ़ी। 8B और थोड़ी गाढ़ी। अगर 9H में आप कितना भी दबा लो, 9H में आप कितना भी, 9H नंबर की पेंसिल आती है, ठीक है, 9H नंबर की पेंसिल आती है, ठीक है, आप कितना भी दबा लेना वो हल्की चलेगी। और घर, और जो आप लोग लिखने के लिए यूज करते हो, कौन सी यूज करते हो? HB। कौन सी पेंसिल यूज करते हो लिखने के लिए? HB पेंसिल यूज करते हो, ठीक है, बिल्कुल। बेटा सर ग्रेफाइट को अलग अलग शेड में कैसे पेंसिल बनाएंगे? बेटा एक खरीदने को मिलती है, आप स्टेशनरी की दुकान, आपको ना आप बेशक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो मैंने टेबल बना रखी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये उसका हार्डनेस और लाइटनेस होती है। अब देख लो आपको कैसी चाहिए, आपको बिल्कुल हार्ड पेंसिल चाहिए तो आप स्टेशनरी की दुकान में जाए, मुझे 9B की पेंसिल दे दो, ठीक है। आपको बिल्कुल लाइट पेंसिल चाहिए तो आप जाके बोलोगे मुझे 9H की पेंसिल दे दो। ये नंबर होते हैं ये, और सबसे अच्छी पेंसिल फेबर कासल की आती है, ठीक है, फेबर कासल नाम का एक ब्रांड है, उसकी पेंसिल आती है, सबसे बेस्ट होती है वो ड्राइंग के लिए। जैसे अगर आप नॉर्मल पेंसिल मांगोगे ना, तो नॉर्मल पेंसिल आपको HB मिलेगी हमेशा, नॉर्मल पेंसिल आपको हमेशा HB मिलेगी। फिर जैसे आपने बोला, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ अगर किसी को ड्राइंग करने से, वो कौन कौन सी पेंसिल होनी चाहिए, उसके पास HB होनी चाहिए, उसके पास 2B होना चाहिए, उसके पास 5B होना चाहिए, 9B होना चाहिए, और इधर 4H होना चाहिए, और 7H होना चाहिए, और 9H होना चाहिए। ये 7 सेट आते हैं पेंसिल के। अगर आप जाके स्टेशनरी दुकान पे बोलोगे कि मुझे ड्राइंग पेंसिल का फेबर कासल का सेट दे दो, उस सेट में आपको यह 7 पेंसिल मिलेगी, ठीक है। बेटा ये चैटिंग करते ही रहेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग बस वीडियो पे ध्यान दो, जो चैटिंग, प्लीज जो चैटिंग कर रहे हैं ज्यादा चैटिंग ना करें, वीडियो पे ध्यान दें, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये पेंसिल्स के बारे में, तो पेंसिल के बारे में समझ में आया सब कुछ, जल्दी बताओ। और आई होप शायद आप सबने ये बिल्कुल बिल्कुल ही पहली बार सुना होगा, पेंसिल के बारे में भी इतना कुछ हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ये चीजें बतानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये पेंसिल हमें पढ़ना पड़ता है, तो पेंसिल का समझ में आया जल्दी बड़ा, यस सर समझ में आ गया सर। बट वो 9B वाली पेंसिल कैसे भी डार्क नहीं चलती? बेटा ऐसा तो नहीं है, 9B की पेंसिल सबसे डार्क चलती है। मजा आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल। पेंसिल का नाम क्या बताया मैंने? फेबर कासल। फेबर कासल की आती है, अप्सरा की भी आती है आजकल तो, वैसे फेबर कासल की ज्यादा पेंसिल अच्छी होती है, ठीक है, फेबर कासल की पेंसिल वैसे ज्यादा अच्छी होती है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया दर्शन झा, अंशु रावत, बिल्कुल अर्जुन ओझा, बिल्कुल। काफी बच्चों को पहले से ही पता होगा, बिल्कुल पता होगा, काफी ड्राइंग के भी बच्चे होंगे यहाँ पे, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, काफी बड़े बच्चे भी है, काफी छोटे बच्चे भी हैं, जिनको पता है बहुत ही बढ़िया।
अब अगली बात करते हैं रबड़ की। तो रबड़ पे हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है। रबड़ की मैं हिस्ट्री ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन रबड़ भी बहुत तरीके की होती है, ठीक है। तो इस पे हम लोग जाते नहीं, बस इतना बता देता हूँ कि रबड़ का बेसिकली सबसे पहला जो इस्तेमाल हुआ था वो विनाइल रबड़ का हुआ था, जो फेबर कासल ने ही बनाई थी। जो नटराज की जो आप रबड़ यूज करते हो ना, वो सबसे पहले फेबर कासल ने बनाई थी। अब तो बहुत सारी आ गई है, अप्सरा की, डोम्स की, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो सिंपल रबड़ तो आपको पता ही है रबड़ का यूज क्या होता है। बस ध्यान रखना पड़ता है जो रबड़ होती है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपकी ड्राइंग शीट खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पेंसिल को पकड़ना कैसे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है पेंसिल को पकड़ने की, ठीक है। सबसे बड़ी है कि पेंसिल को पकड़ना कैसे है। ये है पेंसिल को पकड़ने का आज तक का सबसे गलत तरीका। ड्राइंग में कभी भी ऐसे पेंसिल नहीं पकड़ी जाती, इसको स्क्राइब ग्रिप बोलते हैं। ये जो आप लोग ऐसे पेंसिल पकड़ते हो ना बेटा, वीडियो कल आएगी। गम इरेजर का उरुज फातिमा अभी बाद में यूज बताऊंगा, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं बस। बिल्कुल, डोम्स की भी अच्छी है, अप्सरा की भी अच्छी है, फेबर कासल की भी अच्छी है, नटराज की भी अच्छी, सारी अच्छी है। ऐसे पेंसिल ड्राइंग में शेडिंग्स में नहीं पकड़ते, ठीक है। इट्स ओके ऋतिक प्रजापति। इसको स्क्राइब ग्रिप बोलते हैं, जो जैसे आप लोग लिखने के लिए यूज करते हो। राइटिंग के लिए ठीक है, इसमें हमारी एल्बो जो होती है वो जमीन पे होती है। दीपा अग्रवाल, इट कॉस्ट अराउंड 150 रुपीज, जो मैंने सेट बताया, ठीक है। और लेकिन ड्राइंग के लिए इस तरह का पेंसिल को पकड़ना गलत होता है, क्योंकि इससे आपकी शीट भी खराब होती है और हमें हाथ को शीट पर नहीं लगाना होता, ठीक है। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीका। पेंसिल पकड़नी कैसे है, ड्राइंग में पेंसिल पकड़नी कैसे है। तो सबसे पहला तरीका होता है पेन ग्रिप। एक तो तरीका ये होता है, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है पेन ग्रिप, तो ये नॉर्मल है, बेसिक्स। इसमें आप लोग पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हो कि जैसे पेंसिल जो भी आप, एक तो पेंसिल हमेशा बड़ी होनी चाहिए, छोटी तो पकड़नी नहीं है। और हमेशा पेंसिल को सेंटर में पकड़ा जाता है, पेंसिल को हमेशा सेंटर में पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये एक ग्रिप है, इसको पेन ग्रिप बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे स्केच बनाने के लिए। जैसे आपको पेड़ का स्केच बनाना है, अगली क्लास में मैं बना के दिखाऊंगा स्केचेस आपको, ठीक है। तो पेड़ का स्केच बनाना है आपको, आपको एप्पल का स्केच बनाना है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है पेन ग्रिप का। तो पेन ग्रिप का मतलब जब आप पेंसिल को बीच में पकड़ो। बिल्कुल बेटा, 7 बजे भी क्लास होगी, सब बच्चों को आना है 7 बजे, यूट्यूब पर ही आना है। अभी भी सारे बच्चे नहीं आए हैं, सारे बच्चे कम से कम हजारों में हैं। आप लोग अभी भी अपने अपने ग्रुप में बोल दो सबको आने के लिए। दूसरी होती है हमारी वॉयलिन बो ग्रिप। इसमें पेंसिल को ऊपर से पकड़ा जाता है इस तरीके से, ठीक है। एक हो गया आपका पेन ग्रिप, एक हो गया आपका वॉयलिन बो ग्रिप। ये दो तरीके ग्रिपिंग होती है पेंसिल की, ठीक है। तो पेंसिल को हमेशा इसी तरीके से पकड़ना है अगर आपको स्केचिंग करनी है तो, ठीक है। अगर आपको स्केचिंग करनी है, हाँ बेटा ये पहली क्लास है बेटा, आज फर्स्ट क्लास है, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ग्रिपिंग ऑफ पेंसिल्स। ज्यादातर लोगों को, इवन मैं भी यही यूज करता हूँ, वॉयलिन बो ग्रिप सबसे इजी ग्रिप होती है और बहुत आराम से हम शेडिंग कर पाते हैं, ठीक है। चाहे हैचिंग करनी हो, चाहे टोनल, में हर कल भी क्लास है, टोनल वर्क बताना हो, चाहे साइड लेड वर्क बताना हो, स्वीपिंग करनी हो, ये सब मैं बताऊंगा क्या होता है ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, डन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ये जो दोनों ग्रिप है, ये आपकी गेस्चर ग्रिप है, ये आपकी नाइफ ग्रिप है। नाइफ ग्रिप का यूज किया जाता है डार्क शेडिंग के लिए। जो नाइफ ग्रिप होती है, नाइफ ग्रिप में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ना, वो यहां पे होता है, यहां पे प्रेशर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको जैसे शेडिंग करनी है, एक तो होता है कस के दबा के पेज ही फाड़ दिया पूरा, एक होता है कि ऊपर से पकड़ रखा है और आराम से ढंग से ये ब्लैक वाले पार्ट में प्रेशर दिया, ठीक है। जो आपका जो ब्लैक वाला पार्ट है, इस पार्ट में आपने यहां पे प्रेशर दे रखा है, जिससे प्रेशर कहां बनेगा, यहां बनेगा प्रेशर, निब पे बनेगा और पेंसिल वर्क करेगी, ठीक है।
इस वाले पोस्चर में क्या होता है, इस वाले पोस्चर में जो पूरा का पूरा प्रेशर होता है ना वो यहां पे होता है, निब पे नहीं होता, यहां पे होता है इस एरिया में। इससे हम लोग शेडिंग करते हैं। तो ये मैं एक एक करके दिखाऊंगा सबको, ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिकली पेन ग्रिप और वॉयलिन ग्रिप और भी बहुत सारे हैं। ज्यादातर कौन सा यूज किया जाता है, ज्यादातर कौन सी ग्रिपिंग यूज करी जाती है, पेन ग्रिपिंग यूज करी जाती है, वो नॉर्मल होता है, इतना भी आपको करना नहीं है, धीरे धीरे ये करते आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रश को पकड़ने के तरीके होते हैं, इसको ब्रश ग्रिप बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है स्ट्रोक्स लगाने के लिए। स्ट्रोक्स मतलब मुझे यहीं पे शेडिंग खींचनी है, जैसे मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे करना, ये ऐसे स्ट्रोक्स लगाने हैं, तो स्ट्रोक्स लगाने के लिए यूज किया जाता है इसका, ठीक है। आईज पे, आईब्रोज पे, आई लिड्स पे, ऐसे, ठीक है बच्चे, क्लियर, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। अब जो बेसिक फॉर्म्स हैं, यहां तक ये नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स, जिसमें हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल्स किस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये आपको अब क्या करना है, आपका जो होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपको बिना स्केल से लाइनें खींचनी हाथों से, और वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे बेसिक प्रैक्टिस होती है ड्राइंग की, आपको लाइनें खींचनी है विदाउट यूजिंग स्केल, और वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए लाइनें, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज है। फिर हम लोग ये शेप्स और शेडिंग के बारे में बात करेंगे, और मैं भी कुछ शेप्स और शेडिंग के पीपीटीज और रेडी कर लूंगा, ठीक है। तो यहां तक का बच्चों समझ में आया, बेसिक शेप्स एंड फॉर्म से पहले तक का सारा समझ में आया, जल्दी बता दो। बहुत ही बढ़िया। तो कैसी लगी ड्राइंग की इंट्रो क्लास, मजा आया? मस्त, अरे बढ़िया, बिल्कुल दीपा। तो ये सैटरडे संडे रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आपके भरोसे है, वीडियो को आप लोग शेयर करो, शेयर करने सबसे अच्छा तरीका होता है अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, ठीक है। बिल्कुल बेटा, ऐसा नहीं होता कि ड्राइंग नहीं आती आपको, अच्छी थी डॉली, ऐसा नहीं होता कि ड्राइंग नहीं आती है, ड्राइंग सबको आती है, बस सिखाना पड़ता है। आप लोग ड्राइंग कैसे करते हो, आप लोग चीजों को देख कर बनाते हो, देख कर बनाने के भी तरीके होते हैं, तो वो मैं सिखाऊंगा। जब आपको पता होगा ना ABCD क्या होती है, तब आप स्पेलिंग भी लिख पाओगे। आपको यही नहीं पता होगा कि ABCD क्या होती है, स्पेलिंग कैसे लिखोगे। बिल्कुल सपना, मैं देखता हूं, बिल्कुल बहुत हार्ड म्यूजिक सौरभ, बिल्कुल। विशाल गुप्ता, पूरी पेंसिल का सेट फेबर कासल का, आई नो 250 रुपीज का पूरी पेंसिल का सेट आ जाता है, अगर हम नॉर्मली किसी उससे बनाएंगे। अगर आप में से कोई बच्चा ड्रॉइंग करता है, ऑलरेडी ड्रॉइंग करता है, प्लीज इंस्टाग्राम पे अपलोड करके मुझे टैग जरूर करना। टैग करने के लिए स्माइली सर है, SMILEYSIR, स्माइली सर। अगर कोई भी बच्चा है जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, वो इंस्टाग्राम पे टैग करना, ठीक है। क्योंकि मुझे आप भेजेंगे, फेस के साथ लाइव करूं, बेटा मैं लाइव फेस के साथ कैसे करूंगा, स्क्रीन के साथ, मेरे पास अभी इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। बिल्कुल जल्द करूंगा, देखता सबकी हूं बेटा, देखता सबकी हूं। बहुत बढ़िया दीपा अग्रवाल, आप प्लीज जरूर भेजना, ठीक है। साक्षी, वो तुमको महंगा देते होंगे, मेरे को तो सस्ता मिल जाता है। बिल्कुल सपना, आपकी ड्राइंग में मुझे पता है, काफी बच्चों ने जो यूट्यूब पर भी हैं, काफी बच्चे जो हैं, ठीक है, जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते वो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप इसलिए मना करता हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पाता व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम पे ये रहता है, टैगिंग का ऑप्शन आ जाता है, या फेसबुक पे टैग कर सकते हो। फेसबुक पर भी स्माइली सर क्लासेस के नाम से पेज है हमारा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो इंस्टा पे टैग कर लो, या तो फेसबुक पे टैग कर लो, या ट्विटर पे टैग कर लो। ट्विटर पर भी स्माइली सर है, फेसबुक पर स्माइली सर क्लासेस है, और इंस्टाग्राम पर भी स्माइली सर है,
बहुत ही बढ़िया। सो वीडियो को लाइक कर देना जरूर, जो पहली बार आए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई। और मिलते हैं दोबारा से शाम को 7 बजे डिटरमाइनर्स का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं हम लोग, जिसने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट लेक्चर डिटरमाइनर 01 जरूर देख लेना, क्योंकि आज डिटरमाइनर का सेकेंड लेक्चर होगा, ठीक है। शाम को 7:30 बजे, और कोशिश करना अभी जितने इसका डबल शाम को आ जाओ। अपने अपने ग्रुप में बता देना कि शाम की क्लास कोई भी बच्चा मिस ना करे, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा डिटरमाइनर्स में। सो टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहो। अगर चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम को 7 बजे।